विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन ग्राम रूपगढ़ पंचायत भवन में किया गया। तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला न्यायाधीश मनोहर लाल पाटीदार के द्वारा ग्राम के नागरिकों को विधिक अधिकार के बारे में जानकारी दी गई। सभी नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था राज्य का दायित्व है, जिसके तहत विधिक सहायता प्राधिकरण अधिनियम को बनाया गया, जिससे कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में विधिक ज्ञान नहीं होने से न्याय से वंचित ना हो। इस अधिकार की जानकारी के लिए ये शिविर आयोजित किया गया। विधिक सहायता पाना सभी जरूरतमंद व्यक्तियों का अधिकार है। न्यायाधीश द्वारा सभी को ईमानदार, नियमों को पालन करने वाला बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी जो सुरक्षा है उसके लिए ही ये नियम बनाए जाते हैं। आजकल मोटर दुर्घटनाओं में गंभीर चोट आना, मृत्यु होना बेहद आम हो गया है। शिविर में अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश चिराग अरोरा, थाना निरीक्षक राजेंद्र सिंह बघेल, तहसीलदार जगदीश वर्मा, सरपंच माया मुनिया, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना लाल हामड़ ने आभार व्यक्त किया। शिविर में कई ग्रामीण जन और पंचगण भी उपस्थित रहे। पेटलावत से गोपाल राठौर की रिपोर्ट। हर संस्था में है, टीचर भी है और मतलब हर परिवार में एक सर्विस भी जरूर मिल जाएगी कि हमारे गाँव के खर्चे तो पहले से कम से कम ही करो, क्योंकि रिटायर भी हो गए और नए भी चलता जा रहा है, तो ये सोचे कर रहे और पढ़ाई अच्छी तरह से लोग करते हैं। सीए भी है, बहुत सारे विभागों में सर है, तो माननीय न्यायाधीश सामने अवगत कराने में अनिवार्य प्रजाशन कंप्लीट हो।